और गाइस क्या हालचाल। हम देखते हैं कि रेड शेनरॉन शहर की तरफ आ चुका होता है और इस रेड शेनरॉन की बॉडी में 5-स्टार ड्रैगन बॉल लगा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि रेड शेनरॉन दिखने में बहुत ही ज्यादा छोटा है। और ये रेड शेनरॉन शहर में आते ही अपनी बॉडी में से बहुत सारे स्लाइम्स को निकालने लगता है और रेड शेनरॉन की बॉडी से निकले हुए ये सारे स्लाइम्स वहीं जाकर बैठ जाते हैं जहां पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती हो, और फिर ये सभी स्लाइम्स इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करके वापस से रेड शेनरॉन की बॉडी पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से रेड शेनरॉन के पास एक स्लाइम की बॉडी तैयार हो जाती है और ये स्लाइम की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती है और यहाँ तक कि ये स्लाइम की बॉडी बिल्कुल डुप्लीकेट होती है रेड शेनरॉन की, क्योंकि ये रेड शेनरॉन अपनी बनाई हुई स्लाइम की बड़ी सी बॉडी के अंदर बैठा होता है और पूरी स्लाइम की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और एग्जांपल के लिए रेड शेनरॉन बिल्कुल अपनी स्लाइम की बड़ी सी बॉडी में बैठा होता है वैसे ही जैसे गोकू अपनी सुसानू में होता है। और हम देखते हैं कि ये रेड शेनरॉन रुकता नहीं है और पूरे अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रेड शेनरॉन की बॉडी बहुत ज्यादा जायंट होने लगती है। और इस रेड शेनरॉन के बाद हमें पिकलो का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिकलो सभी जी फाइटर से कहता है, लगता है कि उन बचे हुए इविल शेनरॉन्स में से कोई आ गया है, हमें इसी वक्त चलना होगा। और इतना कहने के बाद पिकलो पैन से कहता है, और पैन तुम, मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम इस बार हमारी मदद करने के लिए आई तो याद रखना, ये भूल जाना कि मैं कौन हूँ। और पिकलो इतना कहने के बाद सभी जी फाइटर्स के साथ उसी तरफ निकल जाता है जिस तरफ रेड शेनरॉन आया होता है। और सभी जी फाइटर्स के चले जाने के बाद पैन गुस्से में मनी मन कहती है, पूरी दुनिया खतरे में है और मेरे इतना स्ट्रांग होने का क्या फायदा, मैं पिकलो की बात नहीं मानूंगी, पूरी दुनिया खतरे में है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। और मनीमन इतना कहने के बाद पैन भी उन लोगों के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी विडल पैन से कहती है, नहीं पैन ऐसा मत करो, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और विडल के इतना कहने के बाद बुलमा और चीची भी कहते हैं, लेकिन पैन सभी को इग्नोर करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। और पैन के बाद हमें पिरामिड ऑफ पावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विज सभी सेयंस को फाइट करते देखकर बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत ही जल्द ये सभी सेयंस पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। और विज के इतना कहने के बाद बीरस विज से कहता है, विज वैसे मुझे इतना याद है कि पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 में हमें अपनी फुल पोटेंशियल में आकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन वेस क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 2 कैसे कंप्लीट होता है? वो क्या है कि मुझे पिरामिड ऑफ पावर का इस्तेमाल किए हुए काफी ज्यादा लंबा समय बीत गया है। और बीरस के सवाल के जवाब को देते हुए विस कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 2 तभी कंप्लीट होता है जब कोई फुल पोटेंशियल पर होता है और अपनी फुल पोटेंशियल पर होने के बाद भी अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट तक पहुँच जाता है, तब जाकर पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 2 कम्प्लीट होता है। और विस की इस बात पर बीरस कहता है, हाँ वेस मुझे याद आ गया है, लेकिन मेरे पूछने के बहाने हमारे दर्शकों को भी पता चल गया है कि पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 2 आखिर क्या है। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेजिटा अपनी अल्ट्रा इगो फॉर्म में अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और यहां तक कि वेजिटा गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बराबरी कर चुका होता है। और वेजिटा के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट पर होता है। और पिरामिड ऑफ पावर में गोकू और वेजिटा को इस तरह देखकर हमें ये समझ आ जाता है कि एक बार फिर से वेजिटा गोकू के बराबर स्ट्रांग हो चुका है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि गोकू और वेजिटा में कोई भी पावर गैप नहीं है। और वेजिटा गोकू के सामने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बार फिर मैं कैकोरॉट की बराबरी करने पर कामयाब हो गया। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से गोकू और वेजिटा के बीच में बराबरी की फाइट शुरू हो जाती है।
और दूसरी तरफ हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोहान ब्रॉली के सामने अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट पर होता है और गोहान ने ब्रॉली के साथ इस तरह से फाइट को खींचा है कि ब्रॉली भी अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट तक पहुंचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन ब्रॉली के फुल पोटेंशियल पर होने की वजह से गोहान ब्रॉली की बराबरी करने की तो दूर की बात है, गोहान ब्रॉली का सामना भी नहीं कर पाता है और यही वो वजह है कि गोहान अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट पर होने के बाद भी अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। गोहान अपनी ताकत को बढ़ा ही रहा होता है लेकिन अचानक से गोहान की बीस्ट फॉर्म गोहान का साथ छोड़ देती है और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और गोहान को बेस फॉर्म में देखकर ब्रॉली भी शांत हो जाता है और गोकू और वेजिटा भी फाइट करना रोक देते हैं। लेकिन तभी विज गोकू और वेजिटा से कहता है, गोकू और वेजिटा तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को नहीं रोकना है, मैंने तुम्हें अभी रुकने को नहीं कहा है, मैं गोहान को देखता हूँ, तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। और विज के इतना कहते ही गोकू और वेजिटा फिर से ट्रेनिंग करते हुए फाइट शुरू कर देते हैं और फिर विज गोहान से पूछता है, गोहान क्या तुम ठीक हो? पिरामिड ऑफ पावर की मदद से तुम्हारी ताकतें तो लगातार बढ़ रही थी, फिर अचानक से तुम अपने बेस फॉर्म में कैसे आ गए? और विज के इतना कहने के बाद गोहान विज से कहता है, विज मुझे नहीं पता अचानक मेरे साथ क्या हुआ, पिरामिड ऑफ पावर की हेल्प की वजह से मेरी ताकत लगातार बढ़ रही थी लेकिन अचानक मैं अपने बेस फॉर्म में आ गया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। और गोहान की इस बात पर बीरस विज से कहता है, वैसे मुझे तो लगता है कि गोहान की बीस्ट फॉर्म की ताकतें बस यहीं तक थी। और बीरस की इस बात का जवाब देते हुए विज बीरस से कहता है, नहीं माय लॉर्ड, ये बात तो आप भी जानते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चैम्बर बॉडी को ट्रेन करने और बॉडी के नुकसान को ठीक करने के लिए ही अस्तित्व में है। विज की इस बात पर बीरस कहता है, हाँ वेस तुमने सही कहा, लगता है जब से मैं 39 साल बाद सो के उठा हूँ तब से मेरी याददाश्त को जंग लग गई है। और बीरस के इतना कहने के बाद विज गोहान की तरफ अपना स्टाफ करके कहता है, मैं अपनी स्टाफ के जरिए ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोहान के साथ आखिर क्या हुआ है। और इतना कहने के बाद विज अपने स्टाफ की मदद से गोहान की बॉडी में से जितनी भी ताकतें हैं सभी को पता करते हुए विज कहता है, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, मैं ये देख सकता हूँ गोहान के बचपन से ही गोहान के पास बहुत सारी ताकतें हैं लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ कि गोहान की सारी ताकतें आज़ाद नहीं हुई है, गोहान के अंदर अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है। और फिर विज अपने स्टाफ से इतना सब कुछ पता करने के बाद गोहान से कहता है, गोहान तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जैसे मानो तुमने कई बार ट्रेनिंग शुरू की और तुमने कई सालों तक ट्रेनिंग छोड़ भी दी, मुझे ये बताओ गोहान आखिरी बार तुमने अपनी बॉडी की बहुत सारी ताकतें अनलॉक करवाने की कोशिश की थी लेकिन वो करने वाला कौन था? मेरा मतलब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ताकतों को अनलॉक किसने किया था? और विज की इन सारी बातों को समझते हुए गोहान विज से कहता है, हाँ विज मुझे याद है, हमारी यूनिवर्स के ओल्ड काई ने कहा था कि मेरी सभी ताकतों को जो मेरे अंदर छुपी है उन्हें बाहर लाने में वो मेरी मदद कर सकते हैं। और गोहान के इतना कहते ही विज अपने स्टाफ में गोहान को उस समय में देखता है जब ओल्ड काई गोहान की ताकतें अनलॉक कर रहे थे और फिर विज स्टाफ में देखते हुए कहता है, मैं ये देख सकता हूँ गोहान हमेशा की तरह ओल्ड काई अपनी मस्ती में है और वो कोई कॉमिक बुक को पढ़ते हुए तुम्हारी ताकतों को अनलॉक कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद विज वहाँ पर गोहान को समझाते हुए कहता है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, जब इतने सालों तक तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं की जिसकी वजह से तुम्हारी कई ताकतें बाहर नहीं आ पाई और ट्रेनिंग ना करने की वजह से तुम्हारी ताकतें अंदर ही रह गई और उन्हीं ताकतों को बाहर लाने के लिए तुम्हें ओल्ड काई की मदद लेनी पड़ी क्योंकि ओल्ड काई ने तुम्हारे अंदर देखा कि तुम्हारी कई सारी ताकतें अंदर छुपी हुई है और फिर ओल्ड काई ने जब तुम्हारी ताकतों को अनलॉक करने की कोशिश की तब ओल्ड काई अपनी मस्ती में थे और यही वो वजह है जिसकी वजह से तुम्हें आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और विज के इतना कहने के बाद गोहान विज से कहता है, तो फिर विज जैसा कि तुमने बताया मेरे अंदर अभी भी कुछ ताकतें हैं जो छिपी हुई है, उन्हें मैं कैसे बाहर लाऊंगा? और गोहान की इस बात पर विज कहता है, गोहान मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये काम पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक कायोशिन ही कर सकता है जो तुम्हारी छुपी हुई ताकतों को बाहर लाए। और गोहान खुशकिस्मती से मैं ये जानता हूँ कि पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर कायोशिन कौन है,
और वो कायोशिन है यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काई। और इतना कहने के बाद विज वहां पर गोहान से आगे कहता है, भले ही यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई को फाइट में महारत हासिल ना हो, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही ताकतवर कायोशिन है। इसीलिए गोहान पिरामिड ऑफ पावर के बाहर जाने के बाद हम सबसे पहले यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि गोहान तुम्हारी सभी ताकतें आजाद की जा सके। और विस की इस बात पर बीरस कहता है, तो इसका मतलब यह है कि गोहान पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और गोहान की वजह से ब्रॉली भी पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी ब्रॉली बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप मेरी मदद करेंगे ताकि मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ और पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को भी कम्प्लीट कर पाऊँ। और ब्रॉली के इतना कहते ही विस बीरस से कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, आप गोहान की जगह लेकर ब्रॉली की मदद कर सकते हैं। और विस के इतना कहने के बाद बीरस वहाँ पर विस से कहता है, क्या सच में विस तुम ये चाहते हो कि मैं इस ब्रॉली से फाइट करूँ? और बीरस की इस बात पर विस कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, बिल्कुल आपने सही कहा। और विस की इस बात पर बीरस कहता है, ठीक है फिर मैं तैयार हूँ, पता नहीं ये सुपर सैन गॉड से आखिर मेरा क्या नाता है। और इतना कहने के बाद बीरस ब्रॉली की ट्रेनिंग पूरा करवाने के लिए तैयार हो जाता है और बीरस ब्रॉली से फाइट करने के लिए हाँ कर देता है। और दूसरी तरफ विस गोकू और वेजिटा को देखते हुए कहता है, रुक जाओ गोकू और वेजिटा, तुम दोनों ने अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है, और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम दोनों पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 के लिए बिल्कुल तैयार हो। और विस के इतना कहते ही गोकू और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर विस गोकू और वेजिटा से आगे कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए